नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम केजरीवाल के घर तक पहुंचा बाढ़ का पानी, राजधानी में बाढ़ से स्थिति गंभीर। उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश की वजह से अब तक दिल्ली की यमुना नदी ने अपना विकराल रूप ले लिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने वाजिराबाद ओखला समेत 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में पानी घुस गए हैं। सीएम केजरीवाल के आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है अब यमुना का पानी। यमुना खदार इलाके में करीब 150 लोग फंस गए हैं। आपको बता दें कि यमुना नदी अपने 45 साल पुराने रेकॉर्ड को तोड़कर अब 208.46 मीटर के जलस्तर पर बह रही है। ये आंकड़ा 13 जुलाई सुबह 7 बजे मापा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे तक यमुना नदी बाढ़ की उच्चतम रिकॉर्ड 207.49 मीटर को पार कर गई थी। मंगलवार रात 9 बजे तक हाथनी कुंड बैराज से 3.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन दिल्ली की स्थिति को देखते हुए इसकी रफ्तार को कम कर दी गई है और अब पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के लिए जाने वाली अप्रोच रोड को भी पानी में डूब गई है। यमुना किनारे एरिया में देर रात भारी तादाद में पानी घरों के अंदर घुस गया था, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने अपने जरूरत का सामान लेकर सड़कों पर डेरा डाल लिया। सैकड़ों परिवार अपने बच्चों के साथ बांध पर बनी सड़क पर रहने को भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही पल पल की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए बैक टू बैक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अपनी राय कमेंट पर जरूर दें। सतर्क रहें, अलर्ट रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।